नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए 10 बड़ी और भयंकर खुशखबरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, बिल्कुल ही अकेले में इन्हें देखिएगा। जी दोस्तों, ये जो बड़ी खुशखबरी है सुनकर आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी दोस्तों आज के इन बातों को आप मजाक मत समझिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी के जुनकाल में अब वो इतिहास बनने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके जुनकाल के सारे दुश्मनों के होश उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप इन बातों पर यकीन करेंगे और दोस्तों अगर आप इन बातों को समझेंगे तो दोस्तों आप शिव के जुनकाल में ईश्वर की वह देवी शक्ति प्राप्त होगी, जिनसे दोस्तों आप शिव के जुनकाल में वो मोह माया की दुनिया से आप दूर हो जाएंगे, जिनमें आपको बहुत ही संकट और समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गंभीर वीडियो है, बहुत ही गहरे विचार आज के वीडियो में हम आप शिव को बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और गहरे तरीके से आप समझिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी आप सभी के जुनकाल में बिल्कुल ही भगवान का दिया वरदान है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्हें समझ लेंगे, इन्हें जान लेंगे, कैसे आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, दोस्तों कौन कौन से क्षेत्रों में ये खुशखबरी आपको मिलने वाली है, दोस्तों इन बातों को अगर आप समझ लेंगे और कौन से क्षेत्रों में आपको कौन सी विशेष सावधानी रखनी है, दोस्तों अगर आप इन्हें जान लेंगे तो दोस्तों आप सभी के जुनकाल में भगवान की माया प्रारंभ हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और जो भी चमत्कार आप सभी के जुनकाल में होंगे दोस्तों, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, देखकर आपके आंखों में खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि 72 साल के बाद आप सभी की कुंडली में 3 ग्रहों का मिलनसार हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों महालक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा, महाबली हनुमान जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा और न्याय की देवता भगवान संदीप का भी अशुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर 3 ग्रहों का मिलनसार आप सभी की कुंडली में दिव्य शक्ति का निर्माण कर रहा है, जिनके कारण दोस्तों आने वाले 3 दिनों में आपको 10 बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और इन बातों को आप बिल्कुल ही चुपचाप अकेले में देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को आप किसी के कानों कान खबर होने मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके जीवन की सफलता की वह चाबी है जो कि दोस्तों आप सभी के भाग्य के दरवाजे को खोल सकता है। और दोस्तों यह बात अगर आप किसी को बता देंगे तो दोस्तों वो आपके ही के लाभ पर ही लात मार सकता है। तो दोस्तों ऐसे में सतर्क और सावधान हो जाएं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं, दोस्तों बिल्कुल ही उन्हें मिस मत कीजिएगा और इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी महालक्ष्मी, महाबली हनुमान और भगवान शनिदेव के सच्चे प्रिय भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप सभी के जुनकाल में इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही मधुर और बहुत ही सत्य ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी के जुनकाल में इच्छा की वह शक्ति जागृत करेगा, जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, आप बहुत सारी गलतियों से बच जाएंगे और बहुत सारी समझदारी आप सभी के जीवन काल में प्रवेश करने वाली है। तो दोस्तों इन बातों को आप भूल कर भी मिस ना करें और इन्हें ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आदमी सारा दिन 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है, या बेटा कुछ काम करेगा तो 4 पैसा घर में आएंगे, या आज 4 पैसा पास होते तो कोई ऐसा ना बोलता, आदि आदि ऐसी अनेकें कहावतें हैं जो हम अक्सर सुनते हैं। आखिर क्यों चाहिए ये 4 पैसे, और 4 ही क्यों, 3 या फिर 5 क्यों नहीं, 3 पैसे में क्या कमी हो जाएगी या 5 पैसे में क्या बढ़ जाएगा। दोस्तों पहले समझते हैं कि इन 4 पैसों का क्या करना है। पहला पैसा कुएं में डालना है, दूसरे पैसे से पिछला कर्ज उतारना है, तीसरे पैसे से आगे कर्ज देना है और चौथे पैसे को आगे के लिए जमा करना है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों पहला कुएं में डालने का अर्थ अपना तथा अपने परिवार पत्नी बच्चों का भरण पोषण करना पेट रूपी कुओं के लिए, और दूसरा पेशा पिछला कर्ज उतारना अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनके द्वारा किए गए हमारे पालन पोषण रूपी कर्ज को उतारने के लिए, और दोस्तों तीसरा पेशा यानी कि आगे का कर्ज सनातन को पढ़ा लिखा कर इष्ट काबिल बनाने के लिए, ताकि आगे वृद्धावस्था में वे अपने ख्याल रख सके, और दोस्तों चौथा पेशा जमा करने के लिए अर्थात शुभ कार्य के लिए, दान संत सेवा असहायों की सहायता करने के लिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए इन्हीं शुभ कर्मों का फल
हमें जीवन के बाद मिलने वाला है। इन कार्यों के लिए हमें चार पेशे की जरूरत पड़ती है। यदि तीन पेशे रह गए तो कार्य पूरे नहीं होंगे और पांच पेशे की कहीं जरूरत ही नहीं है। यही है चार पेशों की कहावत का अर्थ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह परम ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो, इनमें सच्चाई लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों से एक साथ बात करते हैं कि दोस्तों आने वाले तीन दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कौन सी दस बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों यश में आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक होंगे। भगवान महाबली हनुमान जी, भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, कौन कौन से सुधार होने वाले हैं, दोस्तों जानेंगे इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से। तो दोस्तों हर एक बात आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इन्हें बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा और दोस्तों अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के सानिध्य में आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा तथा जीवन से जुड़े प्रत्येक कार्य को करने का बेहतरीन नजरिया भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति भी अति उत्तम रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं तथा दस्तावेज यश में संभाल कर रखें, खोने पर जो है इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों आपको बता दें कि जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वाभिमान पर भी पड़ सकता है, बच्चों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, इससे उनमें सुरक्षा की भावना उपजेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि मन में यश में तरह तरह के विचार आने की वजह से आपकी एकाग्रता में भी कमी रहेगी। दोस्तों किसी भी विषय में या फिर काम को पूरा करने की आपकी जो इच्छा होने के बावजूद भी आप उस पर यश में ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो दोस्तों इनसे सावधान रहें, इनसे बच कर रहें। यश में खुली हवा में या फिर निसर्ग में बिताया गया समय आपके मन को प्रसन्नता देगा। परिवार संबंधी झगड़े को मिटाने की कोशिश आपके द्वारा यशमय हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यशमय किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही भाग्योदयदायक रहेगी, इसलिए दोस्तों यशमय उनकी किसी भी बात की अवहेलना ना करें। महिलाओं के लिए जो दिन होंगे उत्तम और लाभदायक दिन होंगे। दोस्तों हर परिस्थिति में उन्हें सामना करने का हिम्मत और साहस भी यशमय प्रदान करेगा। दोस्तों साथ ही कभी कभी कुछ संबंधियों के प्रति नकारात्मक विचार भी आपके मन में आ सकते हैं, परंतु दोस्तों यश में जो है मन स्थिति पर काबू रखें तथा संबंधों को खराब होने से बचाएं, ये आपके लिए यश में बेहतर रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको मिल रहे पेशे का निवेश करने की आपकी योजना और बेहतर बनाने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी, जिसकी वजह से भविष्य में आपको बड़ा फायदा भी यश में मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेकर परिवार के साथ अधिक वक्त बिताने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप कार्यस्थल में बड़ा धन लाभ को भी प्राप्त करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से नजदीकी लोगों के साथ चल रही गलतफहमी का भी यश में निवारण होगा तथा आपसी संबंध भी यश में ठीक हो जाएंगे। दोस्तों किसी प्रिय मित्र की सलाह से आशाएं और उम्मीदें की नई किरण भी यश में उदय होगा। इसके उपरांत दोस्तों अगर संपत्ति के बंटवारे संबंधी कोई भी विवाद चल रहा है तो दोस्तों किसी की मदद द्वारा हल होने की उचित समय आ गया है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अपनी जो है मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करें। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय यश में ना लें, कोई भी काम यश में ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। युवा वर्ग भी प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने अध्ययन और फिर करियर के साथ किसी प्रकार का समझौता ना करें, अन्यथा भविष्य में इनका नकारात्मक परिणाम भी आपके ऊपर हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों कायदे संबंधी कोई जानकारी पूरी न मिलने की वजह से आपके अंदर डर बन रहा है। दोस्तों यश में किसी भी व्यवहार को करते समय उससे जुड़े व्यक्ति से सलाह लेकर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों लेकिन निर्णय के लिए पूरी तरह से उन पर निर्भर भी ना रहें, ये भी आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों सामाजिक दायरा और अधिक विस्तृत होगा। पारिवारिक गतिविधियों में भी यश में कुछ व्यस्तता बनी रहेगी। घर के सदस्यों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना आपको जो है आत्मिक खुशी भी यश में देने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि निवेश संबंधी किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें।
क्योंकि दोस्तों यह समय आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अगर कर्ज व फिर लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों पहले अपनी लिमिट का आप अवश्य ध्यान रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपको मिल रही सहायता और प्राप्त हो रहे जो है स्रोत का आप उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भविष्य में पछतावा भी हो सकता है। दोस्तों यह समय आपको क्या करना है कि अपने वक्त को अधिक से अधिक काम पर ही लगाने की आपको कोशिश करना है। और दोस्तों आप बेकार की बातों में अपना वक्त को बर्बाद इसमें कर रहे हैं, तो इन पर भी ध्यान दें और अपने वक्त को बचाएं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में अपने कर्मचारियों की सलाह पर ध्यान दें, उनका योगदान आपके व्यावसायिक कामों को पूरा करने में भी यश में मददगार रहेगा। लेकिन दोस्तों धन के लेन देन संबंधी कार्यों में यश में सावधान रहें, कोई कर्मचारी अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपसे धोखाधड़ी भी कर सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि तेज मंदी और शेयर्स में भूलकर भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों अभी समय उचित नहीं है। दोस्तों अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों तथा हरकतों पर भी पैनी नज़र रखें, बेहतर होगा कि दोस्तों सभी निर्णय आप सोहेंगे लें, ये आपके व्यवसाय के लिए समय बेहतर होने वाले हैं। इसको प्रारंभ दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय संबंधी प्रतिस्पर्धा में आपको बहुत अधिक परेशानी का सामना भी यश में करना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपकी सूझबूझ और फिर उचित फैसला आपकी जो है काफ़ी हद तक समस्या से आपको मुक्त रखेगा। इसके प्रारंभ दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि दैनिक आय यश में बढ़ने वाली है, आयात निर्यात संबंधी कामों में भी आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय फायदेमंद परिस्थितियां भी बनी हुई है, नए व्यवसाय संबंधी कुछ योजनाएं भी बनेंगी जिसमें दोस्तों पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग भी रहने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि विवाहित जीवन यश में सुखमय व्यतीत होगा, किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात से आपको जो है खुशनुमा यादें भी ताजे होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया आपसे संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा, परंतु प्रेम संबंधों में जो है प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर विश्वास करना भी इसमें अति आवश्यक होगा। तो दोस्तों अगर आप अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखना चाहते हैं तो इसमें विश्वास करना बिल्कुल ना भूलें। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपकी परेशानियों को पारिवारिक लोग समझेंगे और उचित सहयोग भी आपको इसमें देने वाले हैं। अचानक ही किसी निकट संबंधी के आगमन से वातावरण में थोड़ा सा खुशनुमा भी रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों कार्य के साथ साथ पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत बनाकर रखने की आपकी जो कोशिश है यश में कामयाब रहेंगी। विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए भी अच्छे रिश्ते की पूरी संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों घर से बाहर अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, लापरवाही की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी भी आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि गिरने या फिर चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है, बहुत अधिक सावधानी रखने की यश में जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अगर यश में वाहन ना चलाएं तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, थकान की वजह से पैरों में दर्द व फिर सूजन की समस्या भी रह सकती है, अपनी देखभाल करने के लिए जो समय है आप जो है अवश्य निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होने वाले हैं। दोस्तों आपका आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच आपको इसमें स्वस्थ भी रखने वाला है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा व्यायाम पर भी अपना ध्यान को जरूर दें, ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए ऐसे रहेंगे और यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा ऑरेंज और भाग्यशाली अंक रहेगा 1।